पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें हरी मिर्च का मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 15 से 20 हरी मिर्च या कुछ लहसुन की कलियाँ, धनिया और जीरा डाला हुआ है। अब मैं इसे पीस के लूँगी। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 कटोरी बेसन लिया है, एक पालक ली है जिसे मैंने कट करके रखा हुआ है। ये मैंने अभी हरी मिर्च वाला मसाला जो बनाया था वो है, और ये जो है वो बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी पाउडर। बेसन में 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का मसाला जो हमने बनाया था वो डाला है। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करके लूँगी पानी डाल के। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के सब मिक्स करके ले लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें तीखा नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इस बैटर में थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। और थोड़ी सी पालक। अब हम इसे मिक्स करके लेंगे। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल अब गर्म हो गया है। अब मैं पकोड़े निकालूंगी। मैं ये पकोड़े हाथ से निकालने वाली हूँ, आप अगर चाहे तो चम्मच से भी निकाल सकते हैं। पकौड़े ब्राउन ब्राउन होने के बाद आपको निकालना है। देखिए तो बन गए हमारे टेस्टी टेस्टी पकौड़े।
तो फ्रेंड्स, आप लेटेस्ट की पकौड़े घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।